अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इनसाइड आउट विद नीलम मुनीर। आज के जो एपिसोड इज गोइंग टू बी टोटली अमेजिंग, क्योंकि आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है वो सिर्फ मेरी नहीं, नॉर्मली जिन लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ तो मुझे बोलना पड़ता है जो लोग मुझे वाकई पसंद होते हैं, लेकिन इनके लिए मैं कहूँगी कि हम सबके फेवरेट हैं और हम इन्हें बहुत शौक से देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि ये ट्रू लीडर है। लीडर होता है ना कि हम बहुत सारे शोज़ देखते हैं, लोग आते हैं, बातें करते हैं और हमें नहीं पता होता कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन इनके मैंने जितने भी टॉक शोज़ देखे हैं और इनकी जो बातें सुनी हैं और इनकी लाइव देखी और पढ़ी है तो मैं तो इनकी फुल टाइम फ़ैन हूँ। और हमने इनकी हुकूमत में इन्जॉय भी बड़ा किया। अगर इनके लिए कहा जाए कि बहुत सच्चे इंसान हैं और फाइटर हैं तो ये बिल्कुल सही होगा। वेलकम करना है आप, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे, द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, also chairperson of all Pakistan Muslim League, let's welcome Parvez Musharraf sahab. Assalam alaikum. Walaikum salam. Kaise hain sir aap? Very good. Bilkul. How are you feeling? अजीब तो नहीं लग रहा होगा, आई होप आपको कि यार वाई क्या किस तरह का एक बड़ा बबली टाइप इसने इंट्रो दे दिया एक लड़की ने, नहीं तो नॉर्मली लोग फायर करने के लिए आते हैं और बड़े सीरियस मूड में आते हैं। नहीं, आई एम फ्लैटर्ड जो कुछ भी आपने कहा। अच्छा, थैंक यू। ये भी बहुत कम था, लेकिन होता है ना कि फिर इंसान कहता है यार ये खुद ही बोल रही है, लाइक हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा चलो। सर आप बहुत लकी हैं, डू यू नो दिस, लकी फॉर ऑल ऑफ अस। वेल मैं यस, मैं लकी हूँ, है ना? ये मैं जानता हूँ और मैं इस बात की श्योरिटी इसलिए देती हूँ क्योंकि 6 times खाने काबा का दरवाजा आपके लिए खुला है। इट्स अ बिग डील। यस, इससे ज्यादा लकीस्ट पर्सन और क्या होगा। और एक दफा अंदर भी एक तौबा का दरवाजा है जिस पे वो खोला गया और मैं छत पे गया। वाओ, माशाल्लाह, खाने काबा की कितनी बड़ी बात है, कितनी वाकई एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे बताएं आपके करियर में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? इतनी ज्यादा फाइटिंग, पॉलिटिक्स, चीजें, बातें, यू नो, जो एक सपोर्ट होती है ना कि यार यहाँ पे मैं लाइक कमज़ोर नहीं पड़ सकता। यस, मतलब एक तो जाहिर है माय इमीडिएट फैमिली, मेरी मेरी वाइफ और बाकी मेरी मदर, जाहिर है वालदा हमेशा मेरे साथ, हमेशा उनको मेरे में एक बिलीफ था। सर आपकी फैमिली श्योर आपके साथ है एंड बड़ी सपोर्ट भी है एंड आई बिलीव यू आर वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज जिनको दुनिया से कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर फैमिली में कोई गड़बड़ हो तो बहुत फर्क पड़ता है। एंड आपने जो बुक लिखी है उसमें जो आपकी वाइफ का कैरेक्टर है, दैट इज माई फेवरेट कैरेक्टर। अगर उसके ऊपर कभी कोई फिल्म बनेगी तो मैं आपकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले करना खुशी खुशी से कर लूँगी, दैट आई लव इट। सो सपोर्टिंग आपकी फैमिली की, इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ जिसमें आपको लगता है कि स्ट्रेंथ है मेरी, वट इज़ दैट? दोस्त मेरे, मेरे करीबी दोस्त जो हैं वो हमेशा मेरे स्ट्रेंथ रहे हैं। दूसरी मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो मैं हमेशा जिसके जिसमें मैं रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी गुजारी है आर्मी, और हमेशा मुझे मालूम है कि जहाँ भी मैंने कमांड किया है जिस फॉर्मेशन में, चाहे बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, उधर मेरी एक मकबूलियत थी, मुझे वो बहुत दिल से चाहते थे। और जैसे आप शुरू में आपने कहा ना लीडर, यस, मैं हमेशा, मेरी एक थ्योरी रही है कि आमतौर पे लोग कमांडर होते हैं, कमांड करते हैं आप रैंक के वजन से, वेट ऑफ द रैंक, लेकिन लीडर वो है कि अगर रैंक्स आप फेंक दें और फिर भी लोग कहें कि हम इसे फॉलो करेंगे बिकॉज ऑफ हिज इनसाइट कैरेक्टर एंड हिज एबिलिटी, फिजिकल, मेंटल वगैरह। तो मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि लीड करना चाहिए, कमांड नहीं करना चाहिए, लीड करना चाहिए। वेरी राइट। सो फ्रेंड्स आपके वही बचपन के हैं और वो सब पुराने दोस्त हैं? बहुत हैं, बिल्कुल वही। अब आप न्यू फ्रेंड्स नहीं बनाते, आपको लगता होगा क्यों भाई? हाँ, नहीं, बनाने मुश्किल होते हैं। आर्मी के दोस्त हैं मेरे ज़्यादातर, आर्मी के और फिर स्कूल के भी हैं कुछ बिल्कुल पुराने, उनसे दोस्ती। आपको तो बड़े महंगे महंगे गिफ्ट्स भी मिलते होंगे ना, पोजीशन की वजह से भी और वैसे भी पसंद की वजह से भी, ऐसा होता है? महंगे तो पहले मिलते थे, जहाँ मैं जब प्रेसिडेंट था मुझे कोई 50 गाड़ियाँ मिली हैं, मुझे मुझे हमर मिली है, मुझे कैडिलैक्स मिले हैं, मुझे रेंज रोवर्स मिली हैं, और मैंने सारी दे दी थी, एक एक दे दी थी जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, सुसाइड अटैक। जी जी, कौन से वाले थे? सारे थे, मैं तो पूरी बुक पढ़ी है आपकी। पहला वाला, पहला वाला और बॉम्ब सुसाइड बॉम्बर, तो वो उस पे मुझे रफी खरीरी लेबनान के जो थे उन्होंने 3 बॉम्ब प्रूफ मर्सिडीज भेजी थी मुझे, 2-4 दिन में आ गई थी वो।
तो ये मैंने सारी दे दी। अच्छा। और जितनी भी गिफ्ट्स होते थे उनके, वहाँ अभी भी आप प्रेसिडेंसी में जाएं उनकी एंट्रेंस पे राइट और लेफ्ट पे बड़े एनक्लेव्स से बने हुए हैं, वो खाली होते थे पहले। मैंने उसमें अलमायराज बनाए, शीशे वाली बैक मिरर, और जितने भी अच्छे अच्छे गिफ्ट थे मैंने वहाँ रखे, अभी भी होंगे, अभी भी वहाँ होंगे, डेकोरेशन पीसेज रखे वहाँ। और कुछ जाहिर है कुछ मैं यस रखता था, लेकिन मैं पे करता था उनके लिए। आई एम श्योर यू लव वॉचेस, घड़ियों का आपको शौक होगा। घड़ियों का है शौक है। जूते भी आप शौक से पहनते हैं? जूते या नहीं, बस जो मिल गया या बस पहन लिया और चले। एक जमाने में यस शौक से पहनता था, अब भी है। नहीं तो आप इतने दिलेर कैसे हैं? लाइक इतना सब कुछ लोग करने के बावजूद मुल्क से भी भाग जाते हैं, और तो सब छोड़े, कोई कांटेक्ट नहीं रखते, कोई जरिया नहीं होता, वसीला नहीं होता पहुंचने का, यू नो। सो आप तो हमारे बीच में रहे, अब भी आप पाकिस्तान में ही हैं, और मतलब माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी बात है। सो ये आर्मी की वजह से या आप बचपन से बड़े दिलेर? बचपन से भी यस, जब मैं यंग था लड़ाई झगड़े करते रहता था, मैंगो ट्रीज एंड ऑल। लेकिन फिर बाद में फौज में मैंने एक थ्योरी, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ जंगों का वगैरह, उससे मैंने देखा कि दिलेरी और बुजदिली में एक, इट्स अ वेरी थिन लाइन, इसको उसको अलग जो कर रही है दिलेरी और बुजदिली। क्योंकि प्रेजर्वेशन, सेल्फ प्रेजर्वेशन जो होता है एक इंस्टिंक्ट है जो नेचुरल है सबको। अगर कोई कहे मैं बिल्कुल ही नहीं डरता, नहीं वो झूठ बोल रहा है, डर सबको लगता है थोड़ा सा। लेकिन वो जो इम्पल्स है ना, जब आप खतरा फेस कर रहे हैं इमीडिएट लाइफ पे या कोई सीरियस खतरा, तो इमीडिएट रिएक्शन जो होता है वो तो भागने का, डर के छुप जाने का, डक होता है यार, ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो एक रिएक्शन आएगा फौरन, वो होता है। लेकिन अगर आप इस इमीडिएट इम्पल्स को, अगर आप इस इमीडिएट इम्पल्स पे रिएक्ट करेंगे तो आप भाग जाएंगे, तो डरपोक आप हो जाएंगे। लेकिन अगर इस इमीडिएट इम्पल्स को आप कोई आधा मिनट या एक मिनट कंट्रोल कर लें, पहले इम्पल्स को जबरदस्ती कंट्रोल कर लें, नहीं मैंने नहीं जाना, तो फिर आप में आधे एक मिनट में वो जो खौफ और डर है वो खत्म हो जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरे साथ तो हमेशा उल्टा, आपको पता है, मेरी फन लविंग गर्ल, आई लव सिटिंग इन रोलर कोस्टर्स इन झूलाज इन एवरीवेयर, और हमने ये सुना था डर के आगे जीत है, एक यू नो टिपिकल डायलॉग काइंड ऑफ अ थिंग। और मैं जब बैठी हूँ रोलर कोस्टर के ऊपर, वर्ल्ड फास्टेस्ट रोलर कोस्टर फरारी वर्ल्ड दुबई में, और मैंने कहा भाई मैंने अब दोबारा नहीं बैठना, मैं तो उसको एक्सपीरियंस करके मजीद डर गई। सोचना चाहिए, पैराशूट जंप है, अब आदमी को थोड़ा बहुत तो डर लगता है कि यार मैं कहाँ से जंप लगा रहा हूँ, कहीं खुला ही ना पैराशूट। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, हजारों लोग एज अ स्पोर्ट कर रहे हैं, खवातीन लड़कियां कर रही हैं, तो मैं उनसे भी गया गुजरा हूँ कि नहीं, तो फिर आ गए एकदम से डर खत्म। अब ये रोलर कोस्टर पे दुनिया जान जा रही है पूरी, तो क्या सबसे डरपोक है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे फिर एकदम से डर खत्म हो जाता है। यार दैट्स ग्रेट, दैट्स अच्छा। आपको किसी चीज का फोबिया है? डरते हैं बिल्कुल भी नहीं, कोई तो वीकनेस होगी कहीं तो होगी, कुछ भी नहीं, सारी आदतें अपनी पसंद है। कोई ऐसी आदत जिससे आप छुटकारा चाहते होंगे, यार ये मुझ में सही नहीं, ट्रस्ट शायद जल्दी कर लेता। कोई नहीं, कोई मेरी ऐसी सुपरस्टिशंस पे बिल्कुल बिलीफ नहीं है। अच्छा, और इतनी लंबी लाइफ में होता है ना, लोग नुजूमियों पे बड़ा बिलीव करते हैं और लकी स्टोन्स पहन लेते हैं और फिर घर से पूछ के निकलते हैं और इस तरह की। आपको कभी ऐसा हुआ है, कभी किसी ने बोलने की भी कोशिश की है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। लोग बहुत डरते हैं जिन्नात और ये वो। मैं तो ऐसे जिम में जब हम एक्सरसाइजेस कर रहे होते थे तो वहाँ हाइड आउट लेना पड़ता था, छुपना पड़ता था फॉर अ डे आप लाइंग लो। तो मैंने देखा कि सबसे अच्छी जगह छुपने की तो कब्रिस्तान है। कब्रों के बीच में लेटे रहो, कोई आता नहीं है जो ढूंढने के लिए, कब्रिस्तान में कोई नहीं आएगा। हाँ। मैं तो उधर अपने प्लेटून या अपनी कपड़ी को लेकर कब्रिस्तान। जिन चुड़ैल कोई पिक्चर फेरी, कभी कोई डर, किसी ने आवाज लगा दी हो? नहीं, मुझे कब्रिस्तान में भी रात को दिन को कोई नहीं नजर आया है। नहीं, आप प्लीज हमें क्लासेस देना शुरू कर दें। मुझे पता है बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन यू नो लाइक अच्छा लग रहा है सुन के। क्या खाते हैं आप नाश्ते में? कितना अजीब लग रहा होगा ना, आपसे क्या पूछिए मुझे, लेकिन प्लीज आप बता दें। मैंने आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, यू नो आई एम सो फाउंड ऑफ। हर किस्म का फ्रूट? अच्छा, पाँच छह खजूर भी है, अंजीर भी है। नहीं, हफ्ते में एक बार। आई लव पराठा, आई लव पराठा, बट वो फिर मोटापा चढ़ता है, तो इसलिए वो हफ्ते में एक दफा, एक दफा बाज़ार मूड हुआ दो दफा खा लिए।
एंड मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें जब इंडिया अटैक और अटैक करने वाला था कश्मीर के ऊपर, यू सेड इट के जो ना मजाक बात है, एवी यू नो हमारे पास भी फौज है. तो मुझे आपका एक एक इंटरव्यू अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे ऑलमोस्ट सब के सब याद है. सो फ्रेंड्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक कॉल पर अवेलेबल होना चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए, लाइक अगर आप किसको अच्छा फ्रेंड, यू नो लाइक आई यू डिस्कस एवरीथिंग विद योर फ्रेंड्स, लाइक फैमिली मैटर्स इन ऑल? नहीं मतलब नहीं नहीं नॉट एट ऑल, फैमिली मैटर्स मैं नहीं डिस्कस करता कोई दोस्तों से. लोग होते हैं ना फॉरेन, सम फ्रेंड्स आर यस वेरी क्लोज टू यू, थोड़ा बहुत नीड टू नो फ्रेंड्स. कुछ खोए भी होंगे आपने यकीनन, बहुत सारे लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो खो जाते हैं फ्रेंड, फिर वो फ्रेंड नहीं है वो. ऐसे फ्रेंड मैं नहीं रखता हूँ, वो एक्वेंटेंस जरूर है, मिलता तो मैं सबसे हूँ. आई डोंट, मैं बड़ा प्लायबल आदमी हूँ, मतलब मैं सबसे मिलता हूँ, आई एम वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन. इतने सारे इंटरव्यूज देने के बाद आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत बुरा लगता है कि यार ये मुझसे ना पूछा करे? एक टिपिकल क्वेश्चन जो है ना, जैसे आई गिव एग्जांपल कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आप कब शादी करें, आपकी फिल्म कब आ रही, आई हेट दिस बोथ क्वेश्चंस, प्लीज डोंट आस्क मी. सो एनी सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू थिंक कि यार नहीं यार प्लीज ये ना पूछा करें आप, आई हेट इट? नहीं रियली ऑनेस्टली, मतलब मैंने मेरे में कोई इनिबिशन नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्वेश्चन कोई पूछे, क्वेश्चन तो आप पूछने हैं, मेरे से जवाब तो मैंने देना है, लेकिन फिर भी अंदर सोचता है ना क्या है, तो आई विल बी स्केर्ड ऑफ योर क्वेश्चन. बट इफ यू आस्क, वो बहुत लोग कहते हैं जी बड़े यहाँ टफ क्वेश्चन होंगे, मैंने कहा आई डोंट माइंड एज लॉन्ग एज द पर्सन इज प्रिपेयर्ड फॉर टफ आंसर्स आल्सो, आई विल गिव हिम टफ आंसर्स. तो भाई आंसर तो मैंने ही देना है, जवाब मैंने देना है, उसने देना है, लेट हिम आस्क टफ क्वेश्चन. आगे हम भी, क्योंकि कोई स्केलेटन इन द कबर्ड नहीं है, डरता आदमी वो है जिसके स्केलेटन इन द कबर्ड है, ये मेरी कमजोरी पकड़ेगा, मैं चोर हूँ, मैंने बेईमानी की है, मैंने भूल के मैं फंस ना जाऊं, फिर स्टेटमेंट वापस क्या बताएं बताएं, सब सामने है. तो कोई नहीं पकड़ सकता. तो आपका पूरा दिन कैसा गुजरता है? हम परवेज मुशर्रफ साहब आपका पूरा दिन देखना चाहते हैं, लाइक सुबह 9 बजे उठना एंड देन ब्रेकफास्ट करना, क्या होता है पूरे दिन में? ऑल एंटायर डे हमने कभी आपको ट्राउजर शर्ट में नहीं देखा, यू नो. अब की बात करें, पहले तो खैर बहुत बिजी होता था जब मैं प्रेसिडेंट था, वो तो मैं कोई दिन में 16 घंटे आई थिंक विदाउट एग्जैजरेशन 15-16 घंटे मैं बिल्कुल काम करता था, 3 शिफ्ट्स में काम करता था. दफ्तर में जाता था पहले 9 से कोई 5-7 बजे तक, सेकंड शिफ्ट घर में आती थी, थर्ड शिफ्ट फिर आती थी घर में कोई 11-12 बजे 2-3 बजे तक. तो हमारे अब जो प्रेसिडेंट अब हैं वो भी इस तरह से मेहनत करते होंगे? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, इट वॉज टफ टाइम. उसी वजह से पाकिस्तान को हमने रिवाइव किया, उसी वजह से मैंने सीखा, क्योंकि मुझे आता नहीं था कुछ 99 में, फ्रेंकली मुझे गवर्नेंस इकोनॉमी वगैरह की कोई खास समझ नहीं थी मुझे, तो वो मुझे सीखनी पड़ रही थी, तो इसलिए मैं आई वॉज लर्निंग. बट अब अगर आप पूछ रही हैं तो अब यस मैं उठता हूँ को थोड़ा सा आराम से कोई 9 बजे 8:30 9 बजे. ठीक. और सबसे पहले तो मेरा एक्सरसाइज रूटीन होता है. वाओ. तो कुछ बैक की जो है वो उसके लिए स्विमिंग इज इम्पोर्टेंट, तो आई हैव अ स्विमिंग पूल. ओके. तो स्विमिंग करता हूँ मैं, आजकल ज़रा ठंड है तो नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ट्रेडमिल है, एलिप्टिकल है, साइकिलिंग है. Wow. तो कोई एक जब स्विमिंग होती थी तो 2 घंटे, अब कोई 1 घंटे 1.25 घंटा एक्सरसाइज, और उसके बाद ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट पे आई ओनली क्या खाते हैं आप नाश्ते में? कितना अजीब लग रहा होगा ना, आपने क्या पूछिए मुझसे, लेकिन प्लीज आप बता दें, हमने आपकी, मैंने आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, यू नो आई एम सो फाउंड ऑफ. हर किस्म का फ्रूट. अच्छा. 5-6 खजूर भी है, अंजीर भी है. नहीं, हफ्ते में एक दफा. आई लव पराठा, आई लव पराठा, बट वो फिर मोटापा चढ़ता है, तो इसलिए वो हफ्ते में एक दफा बाद मूड हुआ 2 दफा खा लिए पराठा. चीज, आई लाइक चीज वेरी मच. चीज विद पापा इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन. आई लाइक टी सुबह, जब तक चाय का कप नहीं पीऊंगा सुबह नहीं होगी लग रहा है. मुझे इतने शौक नहीं है. आई लाइक, यू विल बी सरप्राइज्ड, मिल्क एंड हॉर्लिक्स. Oh wow! Even now, Horlicks is good. Okay, interesting. बल्कि वो ऐड भी बड़ी आती है, वो chocolate flavored Horlicks. Wow! I like that very much. सही. तो बाकी फिर पूरा दिन ये मिलने में. फिर दिन में what do you eat? Any rice, chawals and chapatis or फिर no diet food? नहीं diet food नहीं, normal food खाता हूँ, लेकिन सिर्फ दोपहर को नहीं खाता हूँ. So it's only fruit and yogurt again with honey and no afternoon food.
एक्सेप्ट ये लोग इतने ज्यादा आते हैं तो उनके साथ चाय भी पीनी पड़ जाती है और कुछ थोड़ा सा स्नैक्स, आई ट्राई टू कंट्रोल दैट, रात का खाना खाता हूँ फिर। तो पूरे दिन ये कोई 2 बजे से 1-2 बजे से 6 बजे तक लोगों का आना जाना ग्रुप्स में, इंडिविजुअल्स दोज वांट टू मीट मी, तो उसमें बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। सही, जबरदस्त। एंड देन इन द इवनिंग इट इज माय ओन टाइम, हम ब्रिज खेलते हैं। आई लाइक प्लेइंग ब्रिज। वाओ वाओ, ओके। सो व्हाट टाइम डू यू स्लीप? नो टाइम लाइक 10 बजे 11 बजे? तो बच्चे सोते हैं। बाकी मुझे बड़ा बोरिंग लगता है जब मुझे को पता चलता है कि 10 बजे, यू नो, मैंने सोना है 11 बजे। तो बड़ा 10 बजे, मैं तो 1-2 बजे सोता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी यू एंजॉयिंग योर लाइफ माशाल्लाह। हाँ, पूरी रूटीन में मैंने जो देखा है, हाँ ठीक है, हेल्दी हेल्दी लाइफ है, ठीक है, शुड एंजॉय लाइफ। हाँ, सो अगर आपको चांस दिया जाए कि आप एक वीक के लिए आप एक सर्टेन एज में जा सकते हैं, तो कौन सी एज होगी? आई थिंक दैट टर्की वाला टाइम, नो नहीं, देट वॉज टू स्मॉल। यस, मतलब वो तो एन्जॉयबल था, मोस्ट एन्जॉयबल था, यस, बट यंग एज आई थिंक वैन यू कैन, यूथ में वो जो एनर्जी होती है, वैन यू कैन रन एंड क्लाइम एनी थिंग, डू एनी थिंग, यू फेल्ट, मेरे ख्याल में SSG ने ये स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडोज में उसने ये इंस्टिल किए कि अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, वहाँ 36 माइल भाग रहे हैं, वो हर हफ्ते 4 मील, हर रोज 2-3 मील। सो मतलब आप दोबारा यंग एज में जाके यू वांट टू डू द सेम थिंग अगेन, बिकॉज़ दैट इज व्हाट गिव्स यू कॉन्फिडेंस आदमी को। और फिर नहीं, अगर आप बोलेंगे कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं इस फेस से थोड़ा सा यू नो ब्रेक ले लूंगा, मेरी जिंदगी नॉर्मल हो सकेगी, मैं स्ट्रीट्स पे घूम सकूंगा, मैं लोगों को खड़े होकर देख सकूंगा, यू नो आई डोंट लाइक दैट वे, एंजॉयबल सेल्फीज लूंगा। सही बात है, आई मीन एंजॉयबल इज गोइंग अब्रॉड एंड लोगों से वेरियस मुल्क देखना, दोस्तों के साथ मिलना अब्रॉड, लेकिन जो आदमी की लाइफ बनाता है, लाइफ एसोसिएशन बनाता है, लाइफ में मेमोरीज देता है, मेमोरी ये नहीं होगी कि लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में मैं घूम रहा था, वो मेमोरी कोई नहीं है, लेकिन जहाँ खतरे में साथ था मेरे बंदा, वो या मेरे साथ बैठा हुआ था जख्मी कोई, वो याद आएगा, वो हमेशा याद रहती है। तकलीफ में साथ था, पहाड़ पे हम चढ़ रहे थे, मुश्किल में थे या खतरे में थे, वो याद रहती है, वो ऐसे वो कमांडोज में याद है, वो सारी यादें उधर होती हैं। तो ये तो एक फौजी वाली बात हो गई ना, यू नो, ये तो एक फौजी, हमारी क्या एंजॉयमेंट है, हम तो किसी इंसान को जख्मी देंगे तो एक हफ्ते के लिए बुखार रह जाता है कि यार ये कैसा था वो। लेकिन जिंदगी, व्हेन यू लुक बैक ऑन लाइफ व्हेन यू गेट ओल्डर, तो ये यादें वो रहती हैं, जो बॉम्ब अटैक हुआ है, सुसाइड बॉम्ब अटैक, वो मेरे साथ जो बैठा हुआ था, ये ड्राइवर जो मेरा था, वो याद रहती है, वो बातें याद रहती हैं। तो कभी तो जिंदगी में ऐसा अरसा भी आया होगा ना कि कई कई दिन तक नींद भी नहीं आई होगी, सोचो मैं स्ट्रेस टेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं फ्रेंकली आई डोंट, टेंशन में मैं नहीं होता हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती है। आपको किस टाइप का म्यूजिक अच्छा लगता है? सूफियाना टाइप, एनी गुड म्यूजिक। पाकिस्तानी गाने मुझे बहुत बेहतर लगते हैं इंडियन से, इंडियन मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। साहिब मुशर्रफ, सो आप वेरी लॉयल एंड फेथफुल वाइफ, जिंदगी भर की साथी, दी वन एंड ओनली, एंड वेल शी यूज्ड टू बी वेरी गुड लुकिंग। तो आपको अपनी कोई बर्थडे याद है ऐसी जो बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रेट हुई हो, बड़ा मज़ा आया, कोई फैमिली की कोई वेडिंग आपने बड़ी इन्जॉय की हो, बस वो इन्जॉयमेंट थी, और बेशक काफ़ी अर्से पहले की बात हो, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना सही मायनों में इन्जॉयमेंट, मज़ा आया हो? वेल, बर्थडे इज नॉर्मली सेलिब्रेट करते हैं, अब भी सेलिब्रेट लोग कर लेते हैं, ऑल्दो आई डोंट वांट टू, बट समहाउ एवरी टाइम सेलिब्रेशन हो जाती है। वेडिंग्स ऑफ माय चिल्ड्रन, दैट वाज बिजी बिजी, और फैमिलीज इन एवरीथिंग, या जी हाँ। बाकी हाँ, मैं अपनी मदर की बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ हमेशा। अच्छा, दैट इज वन ओकेजन। सो हाउ डू यू प्लान इट? प्लान उधर अम्मी को बस लोगों को बुला लेते हैं, अब भी जाहिर है उनके जानने वाले तो कोई खास नहीं है, तो मेरे ही जानने वाले आते हैं, एंड वी सेलिब्रेट को म्यूजिक जरूर रखते हैं, बिकॉज शी इज अ म्यूजिक लवर। ओके, तो आपको किस टाइप का म्यूजिक अच्छा लगता है? सूफियाना टाइप,
एनी गुड म्यूजिक बट यही अपने ईस्टर्न पुराने गाने या गजलें या पाकिस्तानी गाने मुझे बहुत बेहतर लगते हैं इंडियन से। इंडियन मुझे इतने अच्छे नहीं लगते आजकल जो इंडियन गाने आ भी रहे हैं मिक्स हो के मुझे समझ भी नहीं आते हैं। बिल्कुल मुझे नहीं पसंद पाकिस्तानी। इनफैक्ट पॉप भी पाकिस्तानी पॉप इज फार बेटर फार बेटर। पाकिस्तानी म्यूजिक इज फार बेटर देन इंडियन। सही और सिंगर्स भी हमारे बहुत बेहतर हैं। बहुत बहुत अच्छे हैं इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा गाते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा मीठे में आपको क्या पसंद है? क्या चीज़ आप शौक से खाते हैं? अब ये यहाँ ये कुन्ना इज गुड। ओके कुन्ना इज गुड। बाकी मैं ज़्यादा वेजिटेरियन हूँ। आई लाइक दाल, अच्छी दाल बनी हुई हो। दाल और चावल या कड़ी और चावल सब्जी में या भिंडी इज वेरी गुड। आई एम मोर वेजिटेरियन। गोश्त का ये कुन्ना या अच्छे पाए अगर बने हुए हों अच्छे। हर शख्स पाए नहीं बनाना जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप वीक में एक दफ़ा खा लेते होंगे? अच्छा है ही खाना हफ्ते में। हाँ है ना वीक टू वीक समटाइम मोर देन वंस अ वीक डिपेंड्स। कोई मेरे दोस्त हैं वो भेज देते हैं बना कर तो वो खाना पड़ता है फिर। तो वाजपेयी साहब के साथ आपकी जो स्वीट डिश आपने खाई थी वो बड़ी फेमस हुई है। हाँ वो खीर है ना। हाँ उनकी भी फेवरेट है ना खीर। तो मेरी भी फेवरेट है। बट यू नो यू आर अ रियली गुड प्लानर। आई बिलीव एक लीडर में एक बड़ा बड़ा जबरदस्त और बड़ा अहम पार्ट होना चाहिए। यू नो व्हाई? या यू नो व्हाई? बिकॉज यू सेड इट कि मैं चाहता मैं बैक से मिल सकता था बिकॉज ऑफ हिज एज मैंने फ्रंट से जाके मिलना यू नो बेहतर समझा। एंड यू सेड आई डिसाइडेड दैट थिंग वहीं पे उसी वक्त। इट वाज नॉट प्लान। यस सो यू वाज नॉट डिसीजन मेकर। नॉट प्लान। मिलना जो है आई प्लान्ड जब हम बैठे हुए थे स्टेज पे। उस वक्त तक मुझे नहीं मैं नहीं सोच रहा था इनसे मिलूंगा। बल्कि मैं तो हमेशा ऑफेंसिव होता हूँ कि क्या मिलना है इसे कि आपने आपको तो मिलता है मैं भी नहीं मिलता है टू हेल्प विद हिम। लेकिन जब बैठ गए तो फिर मैं सोच रहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रोस्टम पे जा रहे थे लीडर्स। ठीक ठीक। तो फिर मैंने सोचा कि ये से मिलने ना चाहिए ये मौका है मिलने का। तो वो मैंने उस वक्त प्लान किया था। लेकिन ये कि पीछे से नहीं आना चाहिए आगे से आना चाहिए ये मैंने पर ऑफ द मोमेंट जब मैंने रोस्टम छोड़ा तो उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि माय गॉड वो कुर्सियां तो बड़ी हैवी हैं। हाँ। ये कैसे उठेंगे और इधर वो वैसे भी पीछे मुड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा मैं पीछे से किया तो ये तो फ्लैट हो जाएगा आगे से जाना चाहिए। तो वो मैंने इमीडिएटली डिसाइड। कैसा लोगों का रिस्पांस था यार आपने क्या किया ये और आपने बड़ा अच्छा काम किया? नहीं बहुत जबरदस्त रिस्पांस था। पूरे हॉल का रिस्पांस बहुत जबरदस्त था। हजार आदमी बैठा हुआ था बहुत बड़ा हॉल था वहाँ। उधर रिस्पांस बहुत जबरदस्त रिस्पांस था एंड मीडिया में भी बहुत अच्छा रिस्पांस। मीडिया तो आपको बहुत पसंद करता है। डू यू नो दिस? आपको हम बहुत बहुत ज्यादा मीडिया को तो मैंने बनाया है यार। एक जमाना था जब लोगों ने कहना शुरू किया यू आर द विक्टिम ऑफ योर ओन क्रिएशन। हाँ और इसमें कोई गलत भी नहीं है। आई थिंक सो। इसमें कोई हाँ हुआ है जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये स्टेजेस होती हैं। बट वेरी थैंकफुल टू यू एट लीस्ट हमें चांस मिला। नहीं तो जो कुछ फिरौन डायरेक्टर्स थे वो तो शायद हमें कभी चांस भी ना देते। लोग खुले यूथ आगे आई पढ़े लिखे लोग सामने आए। सो मैं यू नो लाइक ये तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा हमारा एक सेगमेंट होता है मैं आपको कोई सेलिब्रिटीज़ के नाम दूंगी यू नो पर्सनैलिटीज तो आपको जो भी उनके बारे में आप कहना चाहें कोई एक लाइन या कोई यादगार किस्सा या जो भी वट एवर यू लाइक यू नो। अगर कोई मुझे आपका नाम ले तो मैं कहूँगी माई आइडियल यू नो। सो इस तरह से आप जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। सो सबसे पहले जो मैंने और मेरी टीम ने हम लोग डिसाइड किया था वो आपकी वाइफ साहिबा मुशर्रफ। सो आप वेरी लॉयल एंड फेथफुल वाइफ जिंदगी भर की साथी दी वन एंड ओनली। And well, she used to be very good looking. She still she is. She is, yeah. right, right. Achha ji. General Rahil Sharif. A very good soldier. Okay. Imran Khan. What is that expression? Sochna padega. Kam samajh. हाँ स्टेटमेंट जल्दी वापस ले लेते हैं और जज्बाती और इस तरह से। हाँ ठीक है ओके। रेखा फॉरम यू नो इंडस्ट्री साइड यूज्ड टू बी एन अट्रैक्टिव लेडी।
ठीक है ठीक है. मैडम नूरजहां, बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड. आई लव हर. यस एंड ग्रेट पर्सनैलिटी. हाँ नो डाउट. अच्छा जी, ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन. नो कॉमेंट. यू नो व्हाट, दैट इज आई लव यू. ओके, बुशरा अंसारी. Most talented individual. Wow. Very most talented and versatile. Yeah, individual. Yeah, very right, very right. Atika Odo. Very good looking. Yeah, she is, no doubt. And a good friend. Acha, okay. Nawaz Sharif. Allah Hidayat de. Something like that? Less I speak, better. Yeah, okay, alright, perfect. Wow, you're done with it. मैं सोच रही हूँ कि हमें कुछ और भी बहुत सारे नाम इसके अंदर ऐड करने चाहिए थे. आई थिंक लाइक कम्प्लीट है. ठीक है, इतना बहुत है भाई, और कितना मसाला चाहिए अपनी ज़िंदगी में. सो आपकी फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ पे आप चाहते हो वेकेशन के लिए आप जाएं? पाकिस्तान में. पाकिस्तान सो ब्यूटीफुल, आपने तो पूरा ही देखा हुआ होगा. नहीं नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान को मैं बिल्कुल अपनी हथेली की तरह जानता हूँ. हर फौजी जानता है. लेकिन मैं ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा पोस्टिंग्स मेरी हर जगह हुई भी हैं. तो अच्छी जगह है, खूबसूरत तो जाहिर है, ये पहाड़ हमारे बहुत खूबसूरत हैं. हाँ. चित्राल, आपको पहाड़ टाइप जगह अच्छी लगती हैं या सी बीच? दोनों की अपनी टाइम की वैल्यू है. बीच भी मुझे बहुत अच्छी लगती है. आई लाइक स्विमिंग इन द सी. पहाड़ों की अपनी, गर्मियों में आप जाएं पहाड़ों में, ब्यूटीफुल वेदर, आप स्कर्दू जाएं, हुंजा जाएं, हेवन ऑन अर्थ. आई मीन, सो डू यू लाइक डीप सी पार्टीज? वेल, आई हैव डीप सी में, लेक में, मैं मंगला में क्योंकि पोस्टेड था तो मैंने उधर बहुत ये लेक में शिकार भी किया है. स्पीड बोट्स भी मैंने, वाटर स्पोर्ट्स क्लब खोला था वहाँ. wow. तो वहाँ मैं स्कल्स भी चलाता था, वहाँ वाटर स्कीइंग भी करता था. ट्राई टू लर्न, आई रीच ओनली अ वेरी एलिमेंट्री लेवल. और पैरासेलिंग करवाई मैंने, इंट्रोड्यूस की उधर. तो बहुत ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स किया है मैंने उधर मंगला में. तो आई लव्ड इट. यस, पानी में बहुत मज़ा आता है. सही सही, वाटर एक्टिविटीज अच्छी होती हैं. yeah. जिसको आदत हो रहा है उसके बाद भूख भी फिर बहुत लगती है. ये भी एक है. अगर आपको हम ऑप्शन दे दें कि जी आपने सारी जिंदगी एक ही डिश खाने, तो वो क्या हो सकती है? दाल. दैट कुड बी दाल. दाल, दाल इज वेरी गुड. यस, है ना? अच्छा ठीक है. सो हु इज योर फेवरेट पर्सनालिटी? दाल और पराठा. आह यस, पराठा. या अमेजिंग, विद मक्खन. यस, मक्खन साग दाल. या अमेजिंग, आपने तो दालें भी बड़ी खाई है ना फौज. एक्चुअली फौज की दाल तो बड़ी मजेदार होती है, आपको पता. मैंने, आपको पता है, मैंने तारीफ जरूर सुनी लेकिन मैंने कभी खाई नहीं है. मैंने सुना बहुत मजे की बनाते हैं वहाँ. तो हर दोपहर को वो हमारे जवानों का जो मेस होता है वहाँ, उधर के खाना ऑफिसर्स डिटेल होते हैं टेस्ट करने के लिए, खाना ठीक बन रहा है या नहीं. सही. तो मैं तो जब टेस्टिंग के लिए वो टेस्ट एक दो निवाले लें, मैं तो कहता था भाई प्लेट भर के ले आओ, दाल पूरी मज़ेदार, नान तंदूर का निकला बाद दाल ज़बरदस्त तड़के वाली, वो तो बहुत ज़बरदस्त. सो डू यू मिस दैट टाइम? इतना सब कुछ देख लिया लाइफ में, है ना? हाँ, ये है ना. सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? और दूसरा, हाँ, अदर दैन दाल, सुबह के टाइम पे बहुत सर्दी और दिसंबर का महीना है. आप बाहर एक्सरसाइज में हैं तो सुबह सवेरे 5-6 बजे आप वहाँ अपने लंगर पे जाएं, उधर पराठा बना हुआ हो या पूरी बनी हुई हो और गरम मग्गे में चाय और वो पराठा, ये दुनिया में कोई खाना और सुबह सवेरे सबसे अच्छा खाना. बिल्कुल, क्या आपने क्या यादें ताज़ा करवा दी है. ये तो बड़े बड़े ही मज़े की बात है. अच्छा, आपको पेट्स वगैरह का शौक है? किसका? पेट्स. कभी पेट्स? हाँ पेट्स, हाँ हाँ, आई लव डॉग. हाँ, आपने रखे भी थे? अभी भी हैं. अभी भी हैं. हाउ डू यू हैंडल विद देम? Isn't it difficult? No, not at all. कुत्ते से डरना ही नहीं चाहिए. जो डरता है फिर वो अटैक करता है. है ना? कुत्ता वरना कभी नहीं अटैक करेगा अगर आप डर नहीं रहेंगे. डरेंगे तो फिर वो उधर ही आता है, वरना कभी कुत्ता अटैक ही नहीं करेगा. उसके अलावा उसको पता भी हो जाता है जब आपके एटीट्यूड से, कुत्ता एकदम समझ जाता है कि ये फ्रेंडली है. फ्रेंड और फो में एकदम उसको और जो ही वो देखेगा आपको वो समझ जाएगा और दुम मिलाएगा. दुम मिलाई तो
और आप कहते हैं ना, फंसा तो फंसा, दुम मिलाई तो फंस गया, वो आपका दोस्त है। यू गुड, गो फॉर इट। मेरे ख्याल है दुनिया में एक वाहिद चीज है जिससे मुझे बहुत डर लगता है। नहीं, मैं नहीं, किसी के घर भी जाती हूँ, मुझे पता हूँ कि घर में कुत्ता, तो पहले पूछते भाई बंद है? हाँ बंद है। इतना कुत्ता तो सबसे लॉयल चीज है, आपके ऊपर जान दे देगा, ये तो अपने मास्टर को पे जान दे देता है। तो नाम भी आपने रखा होगा? हाँ? यकीनन। क्या नाम रखा? यहाँ जो है ये तो छोटा सा है बिल्कुल। अच्छा, क्यूट वन। शिजू कहते हैं चाइनीज, इट्स पाशा। अच्छा, पाशा, ओके। मोस्ट अनपाशा लाइक पाशा, छोटा सा। बट इट इज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी लविंग अफेक्शनेट। इस्लामाबाद में मेरे पास बहुत बड़ा कुत्ता है, वो जर्मन शेपर्ड है और बड़ा प्राइस विनिंग, उसका नाम छे है, CHE। वो मैं एक दफ़ा जब गया था तो वो मुझे कैंप डेविड मुझे इनवाइट किया था उन्होंने। सही। तो उनके हेलीकॉप्टर में बैठकर हम कैंप डेविड गए, तो उधर सबसे पहले मैं, मुझे वो एक गोल्फ कार्ट में ले गए, माई वाइफ वेंट विद लॉरा बुश एंड हमें एक एक हट जो कैबिन सा था उधर हम बाहर खड़े हुए बातें कर रहे थे लॉन में, तो मुझे कहने लगे मिस्टर प्रेसिडेंट आई वुड लाइक यू टू मीट माई डॉग बार्नी। तो वहाँ से उसे गर्ल स्टैंडिंग देयर, जेन गेट बार्नी आउट, तो बार्नी आ गया बाहर, इट वॉज अ स्कॉटिश टेरियर, छोटा सा काला। अच्छा। बार्नी केम आउट एंड लुक टूवर्ड्स अस, इधर उधर देख रहा हूँ कि हम, बार्नी कम मीट द प्रेसिडेंट। तो बार्नी ने हमारी तरफ देखा, दूसरी 180 दूसरी तरफ दुड़कियाँ, फुल स्पीड दूसरी तरफ भाग। अब ये इधर से प्रेसिडेंट बुश कैन विसल लाइक वो काउबॉय विसलिंग करके, वो विसल कर रहे, कम बैक बार्नी, यू डोंट वांट टू मीट द प्रेसिडेंट, यू डोंट वांट टू मीट द प्रेसिडेंट। वो बार्नी कुन कर ले, भाग कर चला गया। बाद में वहाँ खाने पे जब मैं गया रिटायर अपने कैबिन में एंड वी मेट एट लंच, तो वहाँ बार्नी खड़ा हुआ था। प्रेसिडेंट ने कहा मीट मिस्टर प्रेसिडेंट, मीट बार्नी। बार्नी को मैं मिलने लगा, मैं पेटिंग हिम लाइक दैट। बार्नी वाज सिटिंग पोकर फेस के साथ, नॉट मूविंग एट ऑल। तो आई थॉट ये अजीब कुत्ता है, व्हेन यू टिकल हिम हियर ही शुड स्टार्ट जंपिंग अराउंड। तो एनीवे आई गिव अप एंड वो खाना वाना हुआ, मीटिंग हुई, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब जाने का टाइम आया तो प्रेसिडेंट ने दरवाज़ा खुलवाया और बार्नी को कहा, बार्नी लेट्स सी द प्रेसिडेंट ऑफ। बार्नी ने मारी दुड़की उधर दरवाजे के बाहर, फुल स्पीड गायब, वो वुड्स में दरख्तों में भाग गया। फिर प्रेसिडेंट विसल कर रहे हैं, बार्नी कम बैक, यू डोंट वांट टू सी द प्रेसिडेंट ऑफ। बार्नी गायब। खैर हम गोल्फ कार्ट में जाने लगे हेलीकॉप्टर की तरफ, तो मिड वे प्रेसिडेंट ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट यू माइंड इफ यू लुक फॉर बार्नी? अभी हम दरख्तों में इन द गोल्फ कार्ट, तो आई लोकेटेड बार्नी, आई सेड बार्नी आई सी हिम बिहाइंड दैट ट्री। तो उधर गए तो बार्नी खड़ा हुआ, वो पत्तों को खचड़ पचड़ कर रहा है। उधर प्रेसिडेंट ने कहा, फ्रेंड बार्नी कम, लेट्स गो एंड सी द प्रेसिडेंट ऑफ, ही कुडंट गिव एनी लिफ्ट, उधर लगा रहा वो। तो एनीवे फिर प्रेसिडेंट बुश उठे, उसको पकड़ के मेरे और अपने दरमियान में बिठा कर, अभी वो बार्नी फिर बैठ गया है एंड वी आर गोइंग, मैं फिर बार्नी, हेलो बार्नी हाउ यू, नो रिएक्शन। तो मैंने सोचा कि ये दिस मस्ट बी एन ओल्ड डॉग, बिकॉज पुराना कुत्ता हो जाए तो वो रिएक्ट कम करता है। तो मैंने पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट हाउ ओल्ड इज बार्नी? आई थिंक ही सेड ही जस्ट अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ। आई थॉट ये वेरी स्ट्रेंज कि ये रिएक्ट नहीं कर रहा। फिर बाद में हेलीकॉप्टर पे गए, जब हम वो खड़े हुए, प्रेसिडेंट बुश हाथ हिला रहे हैं, होल्डिंग हिज कोट बिकॉज रोटर चल रहा है, तो बार्नी वाज अबाउट 10 यार्ड्स अवे। ओके। तो आई कुड सी दैट, वो कैमरा मूवी बन रही थी,
तो आई कुड सी प्रेसिडेंट बुश उसको ऐसे ऐसे करें कम बार्नी, ही वांटेड बार्नी टू स्टैंड नेक्स्ट टू हिम, बार्नी नहीं आया, वो भी खड़ा रहा. तो फिर ये दोनों लॉरा बुश एंड मैं दे वॉक टू बार्नी, उधर उसके साथ खड़े होकर मूवी बनवा रहे हैं. तो पॉइंट इज दैट बार्नी वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, उसने कोई बॉदर प्रेसिडेंट बुश की बात कम अज कम बार्नी नहीं मान रहा. ओह गॉड, ओह गॉड. तो बाद में व्हेन ही केम फॉर लंच, एक दफा आए थे वो पाकिस्तान, तो एट लंच मैंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट हाउ इज बार्नी, इज आर यू द ओनली पर्सन हु इज आस्क्ड अबाउट आई एम गोइंग टू टेल हिम दैट दैट यू कैन बी ओके ओके. कभी फिल्म बनाने का मौका मिला आपकी बुक के ऊपर तो आप चांस देंगे कि हाँ बनाई जाए? हाँ, इसको पिक्चराइज किया जाए, चांस देंगे आप? और कोई ख्वाहिश रखेंगे कि यार ये बंदा मेरा कैरेक्टर प्ले करे? ये मैंने सोचा नहीं. हाँ, सोचा नहीं मैंने. बेस्ट मेमोरीज आपकी लाइफ की बहुत सारी होंगी, लेकिन एनी वन यू वॉन्ट टू शेयर? होता है ना एक फैमिली में जब बैठे होते हैं और जब आप छोटे होंगे तो आपकी मम्मी आपका एक किस्सा सबको सुनाते होंगे, यू विल बी लाइक क्या यार अम्मा व्हाट, प्लीज ना बोले ना बताए, यू नो. बेस्ट मेमोरीज रियली बहुत सी मेमोरीज हैं, मतलब डिपेंड वो ही आप कहेंगे. एक तो दो किस्म की मेमोरीज मेरी जिंदगी में जो गुजरी हैं, एक तो एंजॉयबल वाली मेमोरीज हैं, दूसरी जैसे मैंने बताया कि खतरे और तकलीफ और मुश्किलात वाली मेमोरीज हैं, याद ये वाली रहती हैं, वो आती हैं और गुजर जाती हैं, बहुत सी आएंगी गुजर जाएंगी. हाँ. लेकिन यादें ये वाली छोड़ती हैं. तो मेमोरीज यस, अच्छी मजे वाली फनी वाली यंग वाली मेमोरी बताता जो मैं जब मेरा एक हवलदार था वो मेरे बाजू में उसने दम तोड़ा है, वो ध्यान मतलब आई कि नहीं वो मेरे दिमाग से नहीं निकल सकती वो. हाँ. तो हाँ. वो मेमोरी अदरवाइज फन लविंग है. बाहर ये टर्की मुझे बहुत पसंद है, तुर्की. उधर छुट्टियाँ मैंने प्रेसिडेंट मैंने एक दफ़ा एक हफ्ते की छुट्टी गया था मैं. सही. एक दफ़ा सिर्फ पूरे 8 साल में. Okay. कभी मैंने इवन संडे को काम. And that was, कौन से सन था? मेरे ख्याल में 2005 या 6, 2005 और 6. ठीक. तो वहाँ वो प्रेसिडेंट ऑफ टर्की बहुत मुझे इनवाइट करते थे कि आप आए जरूर. तो मैं फिर गया वहाँ इस्तांबुल में रहा 5-6 दिन, फिर अंकारा गया. ओल्ड मेमोरीज क्योंकि टर्की में मैं 7 साल रहा हूँ. सही. आई थिंक दैट वाज द मोस्ट एंजॉयबल, बहुत मज़ा आया जहाँ मैं रहा हूँ, जहाँ मुझे ठहराया गया वहाँ पॉस्परस के ऊपर. सामने वो पूरे शिप चल रहे हैं, सामने आपके हैं बिल्कुल सी. wow. या उनके बीच बहुत अच्छे हैं वहाँ. uh-huh. एजियन कोस्ट पे बीच है, उधर ब्लैक सी पे है, उधर नीचे मेडिट्रेनियन कोस्ट लाइन है. uh-huh. बहुत खूबसूरत कोस्ट लाइन है. uh-huh. और बहुत एंजॉयबल. खाना भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है. yeah. ब्यूटी भी है हर लिहाज से, लोग भी खूबसूरत हैं. हाँ. और पाकिस्तानियों को पसंद पता नहीं कहते, लेकिन दुनिया में पाकिस्तानी कहें आप वहाँ वो आपको दे वाला भी. या वेरी राइट. और अगर उनकी ज़बान बोल लें आप जो मैं बोलता हूँ तो फिर तो वो. हाँ, तो देन दे लव यू, दे आर जस्ट. अभी भी आते हैं आपको तुर्की? हाँ. हमारे लोगों ने बड़ा इसके ऊपर ना प्रोटेस्ट किया कि टर्किश कंटेंट चल रहा है पाकिस्तान में और यू नो लाइक ड्रामास चल रहे हैं. वन ऑफ कुछ ड्रामास बड़े उसमें से मशहूर हुए थे. आपको बड़ा अजीब लगेगा कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन चूंकि आपके घर में भी खवातीन हैं. वो देखती थी बिल्कुल जी, हर दफा जब मेरा सुल्तान मैंने नहीं देखा, एक आधा ही देखा है. लेकिन अगर अच्छा कोई प्रोग्राम है वो देखने, मतलब हिंदुस्तानी मूवीज देखने से तो बेहतर है. और इसमें बड़े ज़बरदस्त मैसेजेस होते हैं कि कॉलेज में स्कार्फ पहनना मना है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है. तो ये लोग बड़ा रिलेट करते हैं, हम खुद भी टर्की से, बड़ा अच्छा लगता है. सो आप बिल्कुल भी टीवी नहीं देखते? टीवी देखते हैं? नहीं, टीवी देखता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं. अब थोड़ी सी ज़्यादा देख लेता हूँ कोई टॉक शोज और ये वो बाज़ वक्त अच्छी वाली, और स्पेशली अगर पर्टिनेंट हो. कौन सा टॉक शो आपको अच्छा लगता है? होस्ट कौन पसंद है आपको? नहीं कमेंट करता इस पे क्यों खाम खाम है. अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. बड़े मेरे दोस्त भी हैं. लेकिन आई वॉन्ट लाइक टू कमेंट, लेट अस नॉट. कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए.
ठीक है परफेक्ट है। आपके अगर कभी फिल्म बनाने का मौका मिला आपकी बुक के ऊपर तो आप चांस देंगे कि हाँ बनाई जाए? हाँ, इसको पिक्चराइज किया जाए? हाँ, चांस देंगे आप? और कोई ख्वाहिश रखेंगे कि यार ये बंदा मेरा कैरेक्टर प्ले करे? ये मैंने सोचा नहीं। हाँ, सोचा नहीं मैंने। आप किसी नए इंसान को भी चांस दे सकते हैं, व्हाई नॉट, कोई भी यू नो, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट कैरेक्टर होगा। आप क्या सोचेंगे उस इंसान के अंदर क्या खास बात होनी चाहिए, यू नो, कि हाँ यार ये कर सकता है ये? आई मीन ही शुड बी बोथ, देखें, एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आई मीन देखें, वेल राउंडेड पर्सनैलिटी में मैं समझता हूँ मेंटल फैकल्टीज, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मॉरल एंड सोशल, सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल इंटरेक्शन इज 50% ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज सोशल इंटरेक्शन। और वो सोशल इंटरेक्शन भी 3-tiered, सबॉर्डिनेट्स के साथ, इक्वल्स के साथ अपने यार दोस्त, एंड सुपीरियर्स के साथ। सही। तो पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक एक जनरल ये है कि सुपीरियर के चमचे नीचे के जल्लाद, दैट इज अ बैड कैरेक्टरिस्टिक, वेरी बैड, वेरी बैड। अगर ऊपर के साथ अगर नीचे के साथ जल्लाद हो तो ऊपर वाले के साथ भी जल्लाद ही दिखा देना चाहिए ना। हाँ, यही बात है ना। तो वो एक बैलेंस्ड कैरेक्टर, बैलेंस। नहीं तो आपको क्या लगता है कि आपने तो अपना फैमिली बिजनेस ही बनाया कि जी मैं हुक्मरान था और अब मेरे बच्चे भी होंगे और ये भी होगा वो भी होगा। हम जी फैमिली बिजनेस में फंस गए हैं, प्रेसिडेंट, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी लाइफ, फिर लोग, फिर निकलते हैं, फिर वहीं पर आगे फंस जाते हैं। तो इसके सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलते रहेगा? आपकी क्या प्रेडिक्शन है इसके बारे में? हम ऐसे ही रहेंगे? हाँ, अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारा कुछ कल्चर ये है कि हम जितने भी हम बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी फैलते हम ज़्यादा नहीं है। बाहर देखें जितनी भी इंटरनेशनल बन जाती हैं कंपनीज, हम लोग कम बनते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि बच्चों को बिठाना है, मेरी फैक्ट्री है तो बेटे को बैठना है। हाँ। भाई को बैठना है। हाँ। एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, लोग बड़े बड़े हैं। हाँ। बड़े इंटेलिजेंट, बड़े केपेबल लोग हैं पाकिस्तान में। आप उनको लें, लेकिन उनको फिर कंट्रोल में रखना और उनको उनसे काम लेना वो एक आर्ट है। तो वो हम बस यही कि अब प्राइम मिनिस्टर हैं तो अगले बेटी को अगला तैयार हो जाए, या बेटी या बेटा या चाचा या वो उसने जरूर आना है इस दिन, या यार दो तैयार। देखिए, जब मैं 99 में आया हूँ, मैंने 14 लोग सिलेक्ट किए पाकिस्तान से, उनमें से 12 को मैं बिल्कुल ना कभी मिला था, मैं ना मैं जानता था, दो को जानता था। अब वो 12 मैंने सिलेक्ट किए, मैंने रखा उन्हें, और उनमें से कोई मैंने अपना रिलेटिव नहीं लिया, वरना मेरे भाई और मेरे भी बहुत बहुत कैपेबल रिलेटिव हैं, लेकिन उनमें से मैंने उनको के लोग नहीं दे रहा हूँ। हाँ। बट ये 14 लिए और उन 14 से मैंने हुकूमत चलाई 3 साल, बाद में 17 हो गए थे। किसी पे कोई, नोबडी कैन पॉइंट अ फिंगर एट देम। ये है पाकिस्तान में क्वालिटी है, पाकिस्तान में लोग हैं, एक से एक अच्छा है। आप काम लेना सीखना चाहिए और सही बंदे की पहचान भी होनी चाहिए उसे लगाया, और काम चलेगा, फर्स्ट क्लास चलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने अपने दोस्त और रिलेटिव्स लगाने हैं, हाउ मेनी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स डू यू हैव? आई मीन मैं अपना सोचता हूँ मैं कितने होंगे, 2-4-5 हज़ार होंगे, चलो 10 हज़ार होंगे, उनमें नहीं होंगे कभी भी। तो इधर तो 20 करोड़ लोग हैं, देखें लोग सिलेक्ट करें। हाँ। लोग हैं, बड़ा मटेरियल है, बड़ा सब्सटेंस है। निकल आए मैं से दूसरे के बारे में भी सोच लें। यहाँ प्रॉब्लम ये है, नेपोटिज्म इसी से होती है। हाँ। अपने लोग लगाने हैं, मैं अपने लोगों को छोड़ो। साहब को मैं जानती भी नहीं, आपको पता है कभी देखा ही नहीं है, कभी टीवी पे भी। उस दिन फेसबुक पे लिखा हुआ था कि वो कहते मैं पता नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि मेरी स्कूल की फ्रेंड्स को पता भी हो मैं यू नो इस पोजिशन पे हूँ। ये वो वाला हाल है, हमें चलाए जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं, यू नो। आपके दौर को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हर लिहाज से। पाकिस्तान का बेहतरीन दौर था, यू नो, लाइक मेरे हिसाब से, जब से मैं हूँ सबसे, मैं आपने हर चीज़ को फोकस किया हुआ था, चाहे एजुकेशन हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे रोड हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मीडिया हो, हर चीज़ को आपने बड़ा सपोर्ट किया था। हमें ऐसी लीडर की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक नेशन में लोगों में एक कॉन्फिडेंस देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इन योर कंट्री एंड योर सेल्फ,
और एक इज्जत जो बाहर आप जाएं, आपको पाकिस्तानी कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, आपको आप कहें पाकिस्तानी और उसको इज्जत से देखना चाहिए आपको। सही। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट आई गेव दैट, दैट इज माय प्राइड कि अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी और लोग आज भी आपको बहुत पसंद करते हैं, ये और ये बहुत बड़ी बात है, उसको मेंटेन करना इज रियली डिफिकल्ट। हमने बहुत सुना और ये बड़ा फेमस हुआ कि ऐश्वर्या राय आपसे मिलने के लिए पाकिस्तान आए थे, आप प्लीज बता दें ये सही है गलत है? क्या ऐश्वर्या राय आपसे मिलने पाकिस्तान आई थी, ये बात सही है गलत है? नहीं ये गलत है। गलत है? पाकिस्तान में गॉसिप सेंटर है पाकिस्तान, सो इट इज अ गॉसिप सेंटर ऑलराइट। अच्छा मुझे बताएं आप क्या, आप कैसे, आप रोमांटिक इंसान हैं, हाउ इज योर लव लाइफ, यू नो एडवेंचर्स जो आपने किए अपनी जिंदगी में? हां आई लव लाइफ, यस, लाइफ इज लिव्ड ओनली वन, सो वन शुड लव लाइफ एंड लिव इट अप। नो आर यू सॉर्ट ऑफ दिलपेक इंसान या नहीं, या वेरी कंट्रोलेबल? देखिए जो कुछ भी करता है आदमी, उसमें मेरी एक बिलीफ जरूर है, एक बैलेंस के साथ, एक बैलेंस होनी चाहिए और एक अपना एक स्टाइल होना चाहिए, एक फिनेस होना चाहिए। छांगा आदमी को नहीं होना चाहिए, छांगा वर्ड है, छांगा नहीं होना चाहिए। वन हैज टू हैव अ फिनेस, एक लेवल है, एक फिनेस है, एक बैलेंस है, उस में जिंदगी गुजारनी चाहिए और हर चीज करो लेकिन बैलेंस के साथ करो, अनबैलेंस ना हो। आशिक मिजाज टाइप ऑफ अ पर्सन, नो वेरी सोबर, लेकिन मैं मुझे अगर कोई अच्छा लगे तो मैं तो कह सकती हूँ यार आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, गुड लुकिंग गाय, इट्स नॉर्मल फॉर मी, बट यू नो How do you handle it? You say कि अच्छा ठीक है अच्छी है तो अपने लिए so what? No? नहीं I don't mind praising somebody is very good. One should अगर किसी में कोई डिजर्व करता है तो one should praise. हाँ that is right. तो लोगों को इतना abnormal क्यों लगा जब आप last premiere पे गए थे मुशर्रफ़ premiere पे आए मुशर्रफ़, आप क्या film देखने के लिए नहीं जाते सिनेमा वैसे? हाँ अच्छा लोगों को ये abnormal लगा? हाँ कि मुशर्रफ़ भाई abnormal क्यों है? पहली चीज़ तो ये है कि because he is my son-in-law. ठीक है तो उसके प्रीमियर में, और दूसरा मैंने बड़ा उसका सुना था कि बहुत अच्छा जा रही है वो, या, और इसलिए मैं गया। मैं फिल्म नहीं देखी है मैंने, मैंने सिर्फ वो इंटरव्यूज वगैरह देकर मैं आ गया था, बाकी फैमिली सारी फिल्म अच्छा, देखती रही। ओके, ओके। माय वाइफ सैट थ्रू, बट आई डू इंटेंड, अब मैं इरादा है। सिनेमा नहीं गया पाकिस्तानी सिनेमा कभी भी नहीं गया? नहीं गया हूँ, नहीं पाकिस्तानी सिनेमा में तो मैं नहीं गया हूँ, नहीं यहाँ नहीं गया हूँ, बाहर दुबई लंदन वगैरह में गया। तो आपको नहीं लगता ये लोग क्या पागल हैं, किस तरह सोचते हैं? मतलब एक नॉर्मल इंसान अगर मैं फिल्म देखने चला गया तो क्या हो गया? लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लिया। जो भी अगर कोई समझता है बड़ी अजीब बात की है, नहीं बिल्कुल नहीं अजीब बात नहीं की है भाई, क्यों? उनको शायद ये फील होगा ना यार यू आर बिग पर्सनालिटी, आप उनकी फिल्म देखने के लिए हमारी फिल्म देखने के लिए आए। और फिल्म को मेरे ख्याल में तो एनकरेज, मैं तो बिलीव करता हूँ कि ये एंटरटेनमेंट साइड को एनकरेज करना चाहिए, म्यूजिक आर्ट फिल्म, व्हाई नॉट? ये नेपा जो यहाँ है नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, ये सपोर्टेड क्या बनाई मैंने, द आइडिया इज माइन, एंटायरली माय आइडिया, और मैंने जिया मोहिद्दीन साहब को बुलाया और मैंने ही ने कहा कि आप मेरा आइडिया है कि ये बनाते हैं एक सेंटर और उसको आप या इस्लामाबाद में करें या लाहौर में या कराची में, तो ही वेंट अराउंड, आई मेड हिम गो अराउंड एंड लुक एट प्लेसेस, देन ही केम बैक एंड सेड कराची, वी डिसाइडेड ऑन कराची, और कराची में फिर मैंने कहा आप जगह सिलेक्ट करें, उन्होंने फिर ये हिंदू जिमखाना जो है सिलेक्ट किया एंड वी गॉट इट डन। ऑल दिस इज फ्रेंकली माय बेबी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, जिसमें अभी आर्टिस्ट निकलते हैं उधर से ट्रेन होकर, और बड़ी बात है ये। हाँ बिल्कुल, और दूसरा फिल्म है और ये वरना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ऑल द मीडिया टेलीविजन पे आई मीन पहले पता नहीं आप क्या करती हैं, अगर ये नहीं होता, अगर मैंने ये ओपन नहीं किया होता तो पीटीवी था, पता नहीं अब पीटीवी में आप पता नहीं मुझे चांस मिलता भी नहीं मिलता। आपको पता है वो चार एक्ट्रेसेस थी वही आज तक आ रही है, फिर मुझे कभी तो उसमें चांस मुझे लगता ही नहीं, इसीलिए हम जितनी भी यंग लोग हैं हम सब बोलते हैं पीटीवी में आए, मतलब पीटीवी बाय द वे माय वाइफ इज द फर्स्ट पीटीवी क्वेटा इंग्लिश न्यूज रीडर। अच्छा ओके। सबसे पहले जब क्वेटा टेलीविजन खुला था इनॉग्रेशन पे माय वाइफ रेड द इंग्लिश न्यूज। वाओ वाओ दैट्स एन अमेजिंग पार्ट। हाँ अच्छा हम ना एक छोटी सी एलिगेशन लगाते हैं लेकिन एंटरटेनमेंट वाली, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो लोगों में अफवाह फैली होती ना आपके बारे में, आपको नहीं पता होता या शायद आपको पता भी हो,
यू नो, सो आप उस पर बोल सकते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं, हमने बहुत सुना और ये बड़ा फेमस हुआ कि ऐश्वर्या राय आपसे मिलने के लिए पाकिस्तान आए थे, आप प्लीज़ बता दें ये सही या गलत है। क्या ऐश्वर्या राय आपसे मिलने पाकिस्तान आई थी, ये बात सही नहीं, या नहीं, गलत नहीं, है? नहीं, ये गलत है। गलत है हाँ। तो ये तो इसका तो इतना चर्चा हुआ था, राउसे अच्छा मैंने कहा चलो वैसे भी हमारे बिकॉज हमारा एक राउंड हम करते हैं अपनी सेलिब्रिटीज के साथ, मैंने कहा मैं इनसे जरूर पूछूंगी, कुछ और तो था नहीं मेरे पास एज एंटरटेनमेंट के लिहाज से। सो क्यों ये क्या हुआ है? पाकिस्तान में गॉसिप सेंटर है पाकिस्तान, सो इट इज़ अ गॉसिप सेंटर ऑल राइट, तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल ऑन द गॉसिप साइड। तो यहाँ है ये लोग अफवाहें फैला देते हैं, उड़ा देते हैं। सही सही। और अगर आप वल्नरेबल समझे जा रहे हैं तो आप वल्नरेबल हैं, तो फिर वो बातें लोग समझते हैं कि ठीक है ठीक। लेकिन चलो ग्लैड एक अच्छी एक्ट्रेस का नाम लिया, ये एक बड़ी बात है, यू नो कोई और नहीं आ गया, अच्छी, शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी, आई लाइक हर, अच्छी एक्ट्रेस है। लास्ट फिल्म आपने कौन सी देखी? लास्ट फिल्म मैं ये यहाँ घर पे देखता रहता हूँ मूवी, तो आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ इसकी है कुबलाई खान की मूवी है, इट्स अ सीरियल। ओके हाँ, इससे पहले मैंने चंगेज़ खान देखी थी, उमर शरीफ है जिसमें, वो भी सीरियल थी। तो ये आजकल देख रहा हूँ। चलें ठीक है, थैंक गॉड आप एक फन लविंग इंसान है। बट एक्शन मूवीज, एक्शन मूवीज देखता हूँ ज़्यादा। अच्छा, यू लव इट, नॉट ठीक ठीक, लाइक 24 एंड और क्या, होमलैंड, होमलैंड सीरीज है, बहुत वेरी वेरी एंजॉयबल। बट लेटली एक देखी ये इंडियन समर्स, जो कॉलोनियल पीरियड की, वो एक्शन टाइप नहीं है लेकिन इट्स वेरी एंजॉयबल। 1930s का इंडिया पाकिस्तान जो कॉलोनियल पीरियड, शिमला की सीनरीज वगैरह, हाउ द ब्रिटिश बिहेव्ड एंड हाउ वी नेटिव्स used to be treated, so interesting. सही। सो जाते जाते बस मुझे दो सवाल के जवाब देने, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक होती है, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, मैं आपके अल्फाज पे पूरा यकीन है, आपका इंटरव्यू देखने के बाद हम सुकून से सो सकते हैं, इतना वी ट्रस्ट ऑन यू। वट इज़ नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान, वट इज़ आर फ्यूचर, वट डू थिंक? आई मीन आई डोंट वॉन्ट टू प्रिडिक्ट समथिंग बैड, मैं तो पाकिस्तान की एक मुझे यकीन है आफ्टर 8-9 ईयर्स कि इस मुल्क में पूरा पोटेंशियल है, पूरी रिसोर्सेज हैं टू राइज एंड टू स्टैंड ऑन इट्स ओन। ये बिल्कुल, ये मैं कोई खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बिलीफ है, कन्विक्शन और मेरी नॉलेज के बेस पे मैं कह रहा हूँ, ये सब कुछ है। जो नहीं है लीडरशिप की फुकदान, एक लीडरशिप का प्रॉब्लम है और बैड गवर्नेंस, जिस जो करप्शन और नेपोटिज्म की वजह से, ये हमारी प्रॉब्लम है। अदरवाइज सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है यहाँ, तो ये तो पोटेंशियल है। नाउ वन शडर्स टू थिंक, रियली मुझे अफसोस होता है कि ये पोटेंशियल ज़ाया हो रहा है पिछले फ्रेंकली 7 सालों में 8 सालों में। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पहले 8 साल मैं था जी, अब दूसरों को मैं लेट डाउन करूँ, नहीं, सामने मैं बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैंने ख़राब किया हो तो मैं मानता मैंने ख़राब किया है, लेकिन अब इन 8 सालों में मुझे बहुत अफसोस है, इतना कुछ बना, इतना कुछ था, हम ऊपर जा रहे थे, अब हम नीचे जा रहे हैं, टोटल तब्दीली हो गई है, मुझे बहुत अफसोस होता है। जबकि पोटेंशियल है और अभी भी इसको अरेस्ट करके ऊपर की तरफ किया जा सकता है। तो ये लंबा जवाब मैंने दिया है और जवाब दिया भी नहीं है मैंने आपका कि क्या फ्यूचर में, मतलब अगर हमने ये तब्दीली नहीं लाए तो फ्यूचर अच्छा नहीं है। अच्छा, ओके, मतलब या तो लीडर्स तब्दील हों और वो अच्छा करें, हाँ दैट्स व्हाट वी वांट, या फिर तब्दीली आए। ये इमरान खान तब्दीली 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 इतनी कहता है लेकिन इसको पता नहीं है तब्दीली कैसे। अनफॉर्चुनेट कोई तब्दीली की फॉर्म है आपके जहन में कि नहीं, ये तब्दीली नहीं, ये तब्दीली पॉलिटिकल एरिया में आएगी, क्योंकि गवर्नेंस दूसरे लीडर्स मिलने चाहिए, गवर्नेंस करनी है ना। गवर्नेंस कैसे होती है, अभी एक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इलेक्शंस होते हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट आ जाती है ना, उस वही रहना है, उसी में तब्दीली नहीं आएगी तो ऐसी गवर्नेंस चलती रहेगी अनफॉर्चुनेटली।
सर, कोई मैसेज जो आप यूथ के लिए देना चाहें? यूथ को मैं यही कहूँगा कि द मैसेज इज दैट हैव कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान. पाकिस्तान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री. पाकिस्तान हैज़ ऑल द पोटेंशियल. तो हैव कॉन्फिडेंस इन इन पाकिस्तान एंड देन हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. हैव फेथ इन द कंट्री. फ्यूचर इज योर्स एंड मेक दैट फ्यूचर गुड. मेक श्योर दैट द पोटेंशियल ऑफ दिस कंट्री इज फुल्ली रियलाइज्ड. यू कैन डू दैट. डू इट. आप इतने अच्छे इंसान हैं. इतना अच्छा लगा आपसे मिलकर. ऐसा था बिकॉज जितने इंटरव्यूज आपने दिए हैं, फिर बुक भी आपकी मैंने पढ़ी, यू नो, एक बिल्कुल एक खुल के पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो मेरे सामने थी. एंड मिलके मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा जो मैंने सोचा था. आप उससे कई बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं और मज़ा आया. और आई होप के यू नो, आप जैसा लीडर दोबारा है और हम पे हुक्मरानी करें तो हम फिर से बाहर निकल सकें और बहुत अच्छा बड़ा चेंज देख सकें और आपकी सपोर्ट साथ रहे. सो ये सीन है सारा. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर योर टाइम. आपको मजा तो आएगा कि थैंक गॉड यार, पॉलिटिक्स से हटके बातें थी, कुछ डिफरेंट बातें थी. इट्स नॉट ऑल सेम. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक जी आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.